Hello, class 6. This is your GK book. Come to the first lesson of this book. I am going to explain you about this lesson. The first lesson of the GK book is Mughal Empire. You, all of you, will know very well Mughal Empire. Mughal dynasties kya the? आपने शायद सोशल वाले बुक में आपने ये चैप्टर्स को पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े अभी नेक्स्ट दो चार महीनों में ये मुगल एम्पायर्स के बारे में आप बहुत सारी जानकारी आप मिल पाओगे. बट मैं थोड़ा सा कीवर्ड से कुछ पॉइंट्स को आपको रिकॉग्नाइज करवा देती हूँ. मुगल एम्पायर इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम 1526 टू 1857. मुगल एम्पायर इंडिया में कितने दिन तक स्थापित रहा? 1526 से लेके 1857 तक. बट इट हेल्ड ओनली नॉमिनल पावर आफ्टर 1803. 1803 शताब्दी के बाद कुछ कम ही ऐसे शक्तियां थी, कुछ कम ही राजा ऐसे थे, सम्राट थे, जो इस डायनेस्टीज को चला पाए. 20 मुगल एम्पायर्स रूल्ड इंडिया फॉर दिस सेंचुरी. 3 सेंचुरीज, 3 शताब्दी, मतलब लगभग 300 साल तक मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टीज इंडिया में राज किए थे. द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बाबर. बाबर थे उनका सम्राट, जिन्होंने पहली बार इंडिया में आए थे अफगानिस्तान से, और आने के बाद वो इंडिया में अपना मुगल डायनेस्टीज को स्थापन किया था. लास्ट एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टीज बहादुर शाह जाफर टू. बहादुर शाह जाफर टू इनका नाम था, जो लास्ट एम्परर था, लास्ट सम्राट थे, और फर्स्ट सम्राट थे बाबर. पहला पॉइंट हम कैसे फील करेंगे? आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ पानीपत. पहला युद्ध कौन सा लड़ाई हुआ था बाबर के साथ? पानीपत की युद्ध 1526 में. बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. मुगल एम्पायर की पहली स्थापना कब करी उन्होंने? 1526 में. बाबर पानीपत की युद्ध में भारत के इस राजा को हराने के बाद. इन ऑर्डर ऑफ द यूनिटी, पानीपत की लड़ाई में उन्होंने कन्नौज की राजा को हराया था. कन्नौज की राजा को हराने के बाद वो इंडिया में अपना मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी. इन ऑर्डर टू यूनिफाई हिज एम्पायर, द मुगल एम्परर अकबर डेवलप्ड रिलीजियस सिस्टम दीन ए लाही एम्ड टू मर्ज द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीजियंस ऑफ हिज एम्पायर. दीन ए इलाही नाम की उन्होंने एक धर्म स्टार्ट किया था, जो सभी धर्मों को मिला के और अच्छाई से, सभी धर्मों को कुछ अच्छाई को चुन चुन के उन्होंने अपने इस दीन ए इलाही में, धर्म ग्रंथ में, इसमें सिस्टम डेवलप्ड किया था. औरंगजेब नंबर थर्ड. औरंगजेब वॉज ए बार्बरिक रूलर. बहुत ही खतरनाक थे और बहुत ही मार कूटने वाले औरंगजेब, रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. फॉर थ्रोन, वो अपने सिंहासन में बैठने के लिए हिज 3 ब्रदर्स एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर. अपने पिता को भी कारावास में डाल दिए और तीनों भाइयों के मर्डर कर दिए. हिज ग्रेटेस्ट एनिमी वॉज मराठा रूलर वीर शिवाजी. उनके सबसे ज्यादा उनको जिसने परेशान किया था वो थे मराठा राजा सम्राट शिवाजी, एंड होम ही कुड नेवर डिफीट, जिसको वो शिवाजी को कभी हरा ही नहीं पाए. बिसाइड द ताज महल, अदर ग्रेट आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स लाइक दीवानी खास, दीवानी आम एटसेट्रा वर बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां. मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था दीवानी आम, दीवानी खास और ताजमहल. जो ताजमहल हमें देखने को मिलता है वो शाहजहां ने, सम्राट शाहजहां ने बनवाया था. नंबर 5, मुगल एम्परर हुमायूं वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कन्नौज 1540 बाय शेरशाह सूरी, बट ही रिटर्न्ड टू द थ्रोन इन 1555. 1540 में कन्नौज के राजा ने शेरशाह सूरी को हरा दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर 1555 में फिर वापस अपने सिंहासन पे आ गए थे. नंबर 6, द मुगल एम्परर जहांगीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज वाइफ बेगम मेहरुन निसा, बेटर नोन इज नूर जहां. जहांगीर की वाइफ की नाम थी नूर जहां या मेहरुन निसा. नंबर 7, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड वॉज एक्सिल्ड टू रंगून बाई ब्रिटिश आफ्टर हिज इन्वॉल्वमेंट विद द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 57 to 58. इट मीन्स 1857 जो विद्रोह हुआ था भारत में अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें इनकी साथ देने की वजह से ब्रिटिश ने
इनको रंगून भेज दिया था, म्यांमार ट्रांसफर कर दिया था इनको, क्योंकि वो किसको साथ दे रहे थे, इंडियन विद्रोही को, जो भारतीय विद्रोही थे, सैनिक थे, उनको वो साथ दे रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनको रंगून भिजवा दिया था। ओके, यू हैव टू फिल दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न इट बाय हार्ट। थैंक यू।